सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, होमिस्टेज गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट के फाउंडर और गर्भ संस्कार कोच। हमारा जो अष्टमी का त्यौहार है, उस त्यौहार के बारे में गर्भवती माताओं के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये त्यौहार गर्भवती माताओं के लिए क्या मैसेज लेके आया है? तो आज हरे कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण का जन्मोत्सव है। और जब वो कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो वो कृष्ण क्यों आए थे इस पृथ्वी पे? वो क्या हमें सिखाना चाहते हैं? वो आज गर्भवती माता एक बार ज़रूर याद कर ले। गर्भावस्था के साथ जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू, फॉर एग्जांपल कि कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, राइट? प्रेग्नेंट मदर्स बहुत सारे सपने सजा लेती है कि मेरा बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसे ही होगी, राइट? वो अपना रास्ता चुन के आया है। कृष्ण भगवान था, वो जैसे आना चाहते थे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना था, अपना आने का तरीका खुद चुना था। ऐसे ही आपके आने वाले बच्चे ने इस पृथ्वी पे आने का रास्ता, तरीका उन्होंने चूज़ कर लिया है। तो एक इसको खुला छोड़ दे, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को बोले कि आपको जो ठीक लगे उस तरीके से इस पृथ्वी में आना। क्योंकि हम कई बार सभी मदर्स की इच्छा होती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। तो हमें पता है कि नॉर्मल ना होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो जैसे कृष्ण ने खुद अपना रास्ता तय किया था, वैसे हर एक बच्चा, हर एक आत्मा इस पृथ्वी पर आने का अपना रास्ता खुद चूज़ करती है। तो नॉर्मल डिलीवरी का जो अपना दुराग्रह है, उसे छोड़ के बच्चे पर छोड़ दे कि वो किस तरीके से इस पृथ्वी पे आना चाहता है। फिर उसका कलर देखिए, कृष्ण का कलर था नीली जाई वाला ब्लैक कलर, राइट? हर माँ चाहती है मेरा बच्चा बहुत गोरा होना चाहिए, बिल्कुल ब्राइट स्किन होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि सबसे अट्रैक्टिव चाइल्ड था वो, इतना लोगों को प्रभावित करता था। उसका कलर काला था, लेकिन उसकी ऑरा बहुत पावरफुल थी। उसकी जो आत्मा है, उसकी जो चेतना है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे था। तो बच्चा काला है या गोरा वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी प्रभा कैसी है, उसकी ऑरा कैसी है, उसकी प्रतिभा कैसी है, वो महत्वपूर्ण है। और वो डिपेंड करता है कि माँ थ्रू आउट 9 मंथ्स अपनी प्रेगनेंसी में अपनी ऑरा पे कितना काम करती है, वो कैसे अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाती है, वो कैसे अपनी चेतना को ऊपर उठाती है। तो यहाँ पे बच्चा गोरा या सांवला बिल्कुल मायने नहीं रखता। बच्चा का ऑरा कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसकी चेतना कैसी है, तो अपना हर क्षण अपनी चेतना को ऊपर उठाने में व्यस्त रखे, हर क्षण वहाँ पे इन्वेस्ट करे, राइट? और अगर हम खुद भी चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन का भाग है। तो ऑल 9 मंथ्स, ऐसे तो पूरे जीवन के लिए, लेकिन 9 महीने तो हमें साक्षी भाव से सुख दुख को देखना है और हर क्षण खुश रहना है। अगर इस एंगल से कृष्ण को देखें, तो देखो जन्म उसका कारागार में हुआ, जन्म के बाद तुरंत ही उसे अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। उस बारिश और तूफान में यमुना के ठंडे पानी से गुजर के उसे गोकुल पहुँचना पड़ा। वहाँ पे नंद बाबा और यशोदा, जो भी दोस्त मिले, जो भी खुशियाँ मिली, उसको भी वो 16 साल में छोड़ के चले गए। और ये 16 साल में भी कितने लोगों ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन अगर कृष्ण का व्यक्तित्व देखे तो वो हमेशा ही खुशी और आनंद से भरा। इसीलिए कृष्ण को खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है। जीवन के हर आयाम में, हर पहलू में कृष्ण खुश थे, आनंद से भरे थे, क्योंकि वो हर क्षण को साक्षी भाव से देखते थे। तो इस पहल, कृष्ण के जीवन के इस पहलू को आज हम जीना शुरू कर देते हैं। आप गर्भवती हैं, हम जानते हैं कि गर्भवती महिला के लिए खुश रहना उसके बच्चे के अच्छे मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो 9 महीने खुशी के साथ बिताए,
जीवन की परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, अपने साथ अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे कोई बुरा होता नहीं है, हमारा परसेप्शन के दौर पे देखे तो बुरे लोग, राइट। लेकिन हमें तटस्थ रहना है, हमारी एक ही भूमिका है गर्भावस्था के दौरान खुश रहना, और अगर इस खुशी को, इस आनंद को हम बनाए रखेंगे तो ज़रूर ही हम ऐसे बच्चे को जन्म दे सकेंगे जो बच्चा अपने जीवन के हर एक आयाम में खुश रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। तो ये जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के जो गुण है उसके गुणों का मनन चिंतन करें, और ना तो सिर्फ ये विजुलाइज करें कि सारे गुण अपने बच्चे में आए, क्योंकि अगर माँ में नहीं है तो बच्चे में नहीं आने वाले। तो आप भी आज से इस गुणों को जीने की शुरुआत करें, आपके लिए यही सच्चा कृष्ण का जन्मोत्सव का सेलिब्रेशन है। आपकी सभी की गर्भावस्था बहुत ही स्वस्थ रहे, और आपके द्वारा इस पृथ्वी पे एक दिव्य आत्मा का अवतरण हो, इस शुभेच्छा के साथ आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छाएँ। धन्यवाद।